वेलकम टू इतिहास क्लासेस। आज का चैप्टर है ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल पावर, यानी मैकेनिकल पावर को हम ट्रांसमिट कैसे करेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पावर ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज ए प्रोसेस टू ट्रांसमिट मोशन और काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय यूजिंग सम कनेक्शन बिटवीन देम लाइक बेल्ट, चेन एंड गियर्स कॉल्ड पावर ट्रांसमिशन। यानी पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक भेजने के लिए कुछ मीन्स का उपयोग करते हैं, बेल्ट, चेन और गियर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन के अंतर्गत जो मीन्स यूज होते हैं, बेल्ट होते हैं, गियर्स होते हैं, चेन होते हैं। तो आइए हम वन बाई वन का अध्ययन करेंगे। बेल्ट, द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाई बेल्ट विच रन ओवर द पुली। बेल्ट कहाँ पर रन करता है? पुली के ऊपर रन करता है। तो पावर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक जाता है बेल्ट के माध्यम से। आइए फिगर में देख रहे हैं, ये पुली ए है और ये पुली बी है। पुली ए को ड्राइवर पुली कहते हैं, पुली बी को ड्रिवन पुली या फ्लोर पुली कहते हैं, और ये बेल्ट से जुड़ा होता है। टाइप्स ऑफ बेल्ट क्या है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेल्ट यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन, फ्लैट बेल्ट, बी बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट। फ्लैट बेल्ट वन बाई वन देखते हैं। फ्लैट बेल्ट किसे कहते हैं? जिस बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हो, पुली पर ग्रुप भी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में हो, तो वो फ्लैट बेल्ट कहलाता है। फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मॉडरेट पावर को ट्रांसमिट करने में करते हैं। फ्लैट बेल्ट जो होता है, दो पुलियों के बीच यदि 10 मीटर से अधिक दूरी ना हो तो फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। बी बेल्ट क्या है? जिस बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेफ्ट में हो और पुली पर भी सेम आकृति बनी हो, तो भी बेल्ट कहलाता है। बी बेल्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? हाई पावर को ट्रांसमिट करने में करते हैं। दो पुली एक दूसरे से काफी नजदीक हो तो भी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे भी सेफ्ट में इस तरह से बना होगा। सर्कुलर बेल्ट क्या है? जिस बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका सर्कुलर सेफ्ट में हो और दोनों पुली के बीच 5 मीटर से अधिक दूरी ना हो, तो सर्कुलर बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी हाई पावर को ट्रांसमिट करने में उपयोग में लाया जाता है। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, देर आर टू टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव है। दो तरह के बेल्ट ड्राइव होते हैं, सिंपल बेल्ट ड्राइव और कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। सिंपल बेल्ट ड्राइव में क्या है? जिस बेल्ट ड्राइव में सिर्फ एक ड्राइवर और एक फ्लोअर हो, हमने बताया था ड्राइवर और फ्लोअर, तो एक ड्राइवर होगा, एक ड्रिवन या फ्लोअर होगा, तो उसे हम कहते हैं सिंपल बेल्ट ड्राइव। मतलब ड्राइवर भी एक और ड्रिवन भी एक, ड्राइवर भी एक, फ्लोअर भी एक, तो वो कहलाएगा सिंपल बेल्ट ड्राइव। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव क्या है? जिस बेल्ट ड्राइव में एक से अधिक ड्राइवर्स हो सकते हैं और फ्लोअर भी एक से अधिक हो सकते हैं, तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहलाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये भी एक है, ये आपका एक बेल्ट यहाँ, एक बेल्ट यहाँ है, ये एक पुली पर है, एक शाफ्ट इस पर है, यानी ये पुली है, ये पुली है, ये पुली है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के एक से अधिक फ्लोअर्स भी हो सकते हैं, एक से अधिक ड्राइवर्स भी हो सकते हैं, तो ये कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहलाएगा। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव बेस्ड अपॉन द बेल्ट माउंटिंग, मतलब बेल्ट माउंटिंग किस तरह से है उसके आधार पर बेल्ट का ड्राइव दो टाइप का है, ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अब ओपन बेल्ट ड्राइव किसे कहते हैं? जिसमें फ्लोअर और ड्रिवन ड्राइवर, फ्लोअर और ड्राइवर दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन करता है, तो ओपन बेल्ट ड्राइव कहलाता है। आप देख रहे हैं, यानी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पर पुली है, इस पर एक आपका मान लो, अगर ये ड्रिवन है, ये ड्राइवर है, तो ड्राइवर का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है और ड्रिवन का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो ये ओपन बेल्ट ड्राइव होगा। और ये साइड जो कहलाएगा टाइट साइड कहलाएगा, और ये साइड स्लैक साइड कहलाएगा, ये टाइट और ये स्लैक साइड कहलाएगा। अब क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या है? क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ड्राइवर और फ्लोअर्स आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ड्राइवर मान लो क्लॉकवाइज में है, तो ड्रिवन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में होगा, मतलब एक दूसरे की दिशा अपोजिट होगी, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव होगा। अब गियर ड्राइव पर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पावर ट्रांसमिशन में जब ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट के बीच की दूरी काफी कम होती है, तो वहां पर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर आपका ड्राइवर और ड्रिवन के बीच की शाफ्ट के बीच की दूरी काफी कम होगा, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? गियर ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। गियर व्हील्स इंगेज विद ईच अदर एंड ट्रांसफर रेवोल्यूशन एंड टॉर्क ऑफ ऑन ड्राइव इनपुट ड्राइव शाफ्ट कहते हैं टू
डिजायर आउटपुट शाफ्ट, मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि ड्राइवर से ड्रिवेन तक जो पावर को हमें या तो टॉर्क के रूप में, रिवोल्यूशन के रूप में, हम पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते हैं। गियर्स आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट विद की, जो गियर्स होते हैं शाफ्ट पर माउंटेड होते हैं, की के द्वारा माउंटेड होते हैं। देयर आर टू गियर्स माउंटेड, वन वन ऑन ईच ऑफ ड्राइविंग एंड अदर ड्रिवन शाफ्ट, एक को ड्राइविंग शाफ्ट पर होता है, दूसरा ड्रिवन शाफ्ट पर होता है। दो गियर्स माउंट होते हैं और दोनों एक दूसरे से मिस होते हैं, तो एक को इनपुट शाफ्ट कहते हैं, दूसरे को आउटपुट शाफ्ट कहते हैं। इनपुट की पावर आउटपुट शाफ्ट पर जाती है। अब यहाँ एक टर्म आता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या है? स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर शाफ्ट, यानी दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? वेलोसिटी रेशियो कहता है। गियर का वेलोसिटी रेशियो 60:1 से 100:1 तक होता है और बेल्ट का 6:1 से 10:1 तक भी हो सकता है। ये वेलोसिटी रेशियो है, यानी ये वेलोसिटी रेशियो आपका ड्रिवेन और ड्राइवर के स्पीड का रेशियो होता है। अब द रोटेशन ऑफ गियर विथ काउज रोटेशन ऑफ द अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें एक गियर अगर मान लो क्लॉकवाइज में है तो दूसरे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करता है। एडवांटेज क्या है गियर ड्राइव का? एडवांटेज क्या है? पॉजिटिव ड्राइव, इसमें स्लिप होने की संभावनाएं नहीं होती है। अब बेल्ट ड्राइव में देखते हैं, स्लिप होने की संभावनाएं होती है तो वहाँ स्लिप होता है और आप देखते होंगे बेल्ट आपका पुली से नीचे उतर जाता है, तो उस कंडीशन में पावर का ट्रांसमिशन आसानी से नहीं होता है। तो पॉजिटिव ड्राइव और नो स्लिप होता है किसमें? गियर ड्राइव में। इसमें किसी तरफ स्लिप होने की संभावनाएं नहीं होती है। हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होती है गियर ड्राइव में, पावर का जो ट्रांसमिशन होता है एफिशिएंसी जो होती है हाई होती है। हाई वेलोसिटी रेशियो आप देख सकते हैं कंपैरिजन 60:1 है, 100:1 है, जबकि बेल्ट का 6:1 और 10:1 है। हाई वेलोसिटी रेशियो। सेकेंड है यूज फॉर लो मीडियम एंड हाई पावर ट्रांसमिशन, इसमें जो होता है गियर ड्राइव में लो के लिए भी करते हैं, मीडियम के लिए भी करते हैं और हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए भी। डिसएडवांटेज क्या है इसका? इसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी रिक्वायर्ड लुब्रिकेशन होता है। एट हाई स्पीड प्रोड्यूस नॉइज एंड वाइब्रेशन, गियर ड्राइव में क्या होता है हाई जैसे ही स्पीड होगा तो वहाँ पर नॉइज उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर्स इज कॉस्टली, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कॉस्टली होता है। नो सुटेबल शाफ्ट हैविंग लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस, लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस के लिए हम गियर ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एप्लीकेशन के लिए इसमें ऑटोमोबाइल्स, शिप्स, क्लॉक्स, नियरली एवरी मशीन में इसका इस्तेमाल करते हैं।